बच्चों मैं एक बात बतानी आपको बहुत जरूरी समझ रहा हूं, हालांकि वो चीज बतानी नहीं चाहिए लेकिन मैं कह देता हूं क्योंकि मैं आपके साथ हूं, कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे कोचिंग सेंटर या बहुत सारे जो भी जहां जिस भी चीजों की तैयारी करा रहा है वो इस बात को बच्चों नहीं बताते, आप समझ गए होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ये बात पूरी तरीके से बता दी तो उनका जो सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैंने आपको कभी भी नहीं कहा होगा कि आप केवल मेरे से पढ़े, कहीं से भी पढ़े, वैसे भी मैं 100% फ्री ही कोचिंग आपको देता हूं, ठीक है ना, लेकिन इस बात को ना बताने का कारण आपको समझ आ गया होगा। और मैं जो ये बातें बता रहा हूं वो पिछले साल के बहुत कड़वे अनुभव के बाद में बता रहा हूं। नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर, और मैं हूं रामरूप शर्मा। और ये वीडियो बच्चों आप लोगों की हेल्प के लिए मैं फिर एक लेके आ गया हूं, और ये जो वीडियो है बच्चों ध्यान रखना है केवल मोटिवेशन के लिए नहीं है, है ना, केवल किसी सूचना के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, ये वीडियो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज के लिए बता रहा हूं जिसे आप बेस्ट स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं या फिर आप इसे कुछ भी समझ लीजिए, सब कुछ है। इस तरीके से अगर आपने फॉलो किया तो आपकी जो कम तैयारी है वो भी आपको कॉलेज दिला सकती है, ठीक है, इसे आप ध्यान से समझें। मैंने इस वीडियो का नाम रखा है पावर ऑफ एनटीए अभ्यास ऐप, एनटीए अभ्यास ऐप की पावर, और ये मैंने वैसे ही नहीं रखा है बच्चे, बहुत अनुभव के बाद, और बहुत अनुभवी क्या बोलूं मैं आपको, बहुत कड़वे अनुभव के बाद में, यानी कि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था, जो बच्चे मेरे साथ में थे, जो बच्चे बहुत बड़ी बड़ी तैयारी कर रहे थे लास्ट ईयर, उन बच्चों के साथ गड़बड़ हो गया, और जिसे कहते हैं ना कि ठोकर खा के आदमी संभल जाता है, तो वो वाली चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि आपको वो ठोकर ना लगे, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि एनटीए अभ्यास जो है पहले जेईई मेंस को सीबीएसई बोर्ड जो है, यानी कि एनसीईआरटी जिसके अंडर में है, वो सीबीएसई कंट्रोल करता था। 2019 से एनटीए ने, जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, ये अपने कंट्रोल में लिया है, इसको भी कंट्रोल में लिया है, आईआईटी भी इसी के अंडर में आती है और नीट भी इसी के अंडर में आता है, ठीक है ना। अब सबसे पहली बात तो आप यही समझ लो कि भाई मेरे घर खेलोगे तो चलेगी मेरी, यानी कि तुरुप का इक्का मेरा ही चलेगा, ठीक है ना, या तो आप ये समझ लीजिए या आप बच्चों की हेल्प समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपने जो भी तैयारी कर ली है, जितनी भी तैयारी कर ली है, आपने 50% कर ली है, 60% कर ली है, 70% कर ली है, या जो भी तैयारी कर ली है, तो पहला अटेम्प्ट तो आपको देना ही है, क्योंकि आप मानेंगे नहीं, कोई भी बच्चा नहीं मानता है और ना ही मानना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बच्चे इस तरीके से भी चले जाते हैं कि इस एग्जाम को मैं यूं देखूंगा कि मैं कितने अपने क्वेश्चन कर पाता हूं, मेरे पढ़े हुए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट होता है और क्या क्या तैयारी मुझे और करनी है, इसी को मैं आपको बूस्ट में बदल देता हूं, यानी कि इसी को मैं फ्रूट में लाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपसे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करा रहा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का जो टर्म टू है वो भी आपके लिए इक्वली क्या उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, लेकिन बैलेंस करना पड़ेगा, हो सकता है कि दोनों काम आपके हो जाए, और हो जाना चाहिए और होगा ही। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनटीए जो अभ्यास ऐप है उसके अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो एक तरीके से टॉनिक की तरह है बच्चों, लेकिन ये निश्चित है कि इससे पहले आपने अपना सिलेबस बुक से, टेक्स्ट बुक से, किसी कोचिंग से, मेरे साथ या किसी के भी साथ में पढ़ लिया हो तो, क्योंकि ध्यान रखना है कि एनटीए अभ्यास ऐप में क्वेश्चन है, थ्योरी नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा बहुत हिंट वहां पर है, यानी कि टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद ही आप ये कर सकते हैं, और टेक्स्ट बुक आपने जरूर पढ़ ली होंगी, ठीक है ना, ट्वेल्थ की तो पढ़ी होंगी और इलेवंथ का भी, अगर आप आईआईटी और जेईई की तरफ देख रहे हैं तो ओब्वियसली आपने तैयारी जरूर की होगी। चलिए मैं कुछ बातें बताता हूं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके दोनों काम भी बन सकते हैं और आपका लॉस बिल्कुल भी किसी भी तरीके से नहीं होगा। लास्ट ईयर कुछ अच्छे बच्चों का लॉस हुआ है और
वो वीडियो मैंने कल भी डाली है और उसका टाइटल आपने पढ़ लिया होगा कि भाई अभी आईआईटी को भूल जाओ, बिल्कुल छोड़ दो, जिद में मत आओ, मजा आपको आईआईटी में आएगा क्योंकि अच्छे बच्चों को आईआईटी के सिलेबस में, डेरिवेशन में, बड़े क्वेश्चन करने में मजा आता है। कभी कभी वो बच्चे यूं भी सोच लेते हैं कि अरे इसी का 80% भी आ गया तो तू कट ऑफ से निकल जाएगा, हमें आईआईटी लेनी है। लेकिन ये जो थॉट है वो ज्यादा सही नहीं है, या आप कहिए सभी के लिए सही नहीं है। चलिए मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता हूं कि किस तरीके से मैं इन बातों को आपके लिए कहना चाह रहा हूं, बताना चाहता हूं। देखिए सबसे पहला जेई मेंस के 2022 के लिए है, बेस्ट स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं आप इसे, और सत्यता है बच्चे, ये बिल्कुल सच है, 100% मेरे प्रैक्टिकली देखी हुई चीज है। और इस वजह से, इसकी वजह से बहुत सारे टीचर बेकार हो गए, बेकार तो नहीं गए यानी कि उनके मन की नहीं हुई, यानी कि जितनी उन्होंने मेहनत की थी वो उतनी काम नहीं आई, बहुत सारे बच्चे जो है पीछे रह गए क्योंकि उन्होंने मेहनत बहुत ज्यादा की थी लेकिन पेपर जो फ्लो था वो कहीं और ही था, अकेले रह गए, लड़ते रह गए और वो आपके साथ ना हो। मैं सारे रीजन आपको साथ के साथ बता रहा हूं। पॉइंट नंबर वन देखें, मतलब 2019 में एनटीए ने इसको कंट्रोल किया था तो 2019 से लेकर 2021 तक बहुत सारे एग्जाम हुए बच्चे, 19 में भी हुए दो एग्जाम, 20 में भी एग्जाम हुए और 21 में तो आपको बताया 4 एग्जाम हुए, और केवल 4 आप मत मानिए, एक जो फेस था उसमें 3 या 4 पेपर थे और 4 के साथ में वो मॉर्निंग और इवनिंग का अलग अलग पेपर था। तो यानी कि कहने का मतलब है कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। अब आप ये समझ लो कि आप ये पूछिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि इन सभी क्वेश्चंस को ही एनटीए ने एक सेट बना दिया है और उनके क्वेश्चन बना दिए, और ये जो अटेम्प्ट जितने सारे हुए थे उनके जो क्वेश्चंस के फॉर्मेट है, ध्यान रखें फॉर्मेट को अच्छे तरीके से समझें, फॉर्मेट का मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, फॉर्मेट का मतलब चैप्टर नहीं है, फॉर्मेट का मतलब है कि सपोज करिए कैपेसिटर से एक क्वेश्चन आया उसकी इंटेंसिटी निकालने के लिए, टेस्ला निकालने के लिए, तो हर पेपर में जो क्वेश्चन आपका एनटीए अभ्यास में टेस्ला निकालने के लिए था वो ही क्वेश्चन आपका पेपर में आया कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालिए। इतना अंतर था कि वहां पर वैल्यू अलग दी हुई थी और वहां पर वैल्यू अलग दी हुई थी। मेरी बात का बहुत क्लियर मतलब समझिए, ये नहीं समझे कि कैपेसिटर इसमें दिया हुआ है तो कैपेसिटर इसमें भी आएगा, वो तो आता ही है यार, है ना, वो तो बहुत बड़ी बात है, वो आप कहीं भी देख सकते हैं किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, कभी 2 कभी 3 कभी 4 कभी 2 कभी 3 कभी 4 ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं और उनको फिक्स ना मैं बता सकता हूं ना कोई बता सकता है, और जो पेपर बनाने वाले होते हैं उन्हें भी नहीं पता होता है, मैं आपको सच बताऊं तो, ठीक है ना। बहुत सारे पेपर बनते हैं अचानक जो है रैंडमली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होती है, तो इस बात के तो चक्कर में ही ना जाओ कभी भी। मेरा मतलब है कि एक क्वेश्चन अगर करंट फाइंड आउट करने के लिए था, वोल्टेज दिया हुआ था या वर्क दिया हुआ था या एनर्जी दी हुई थी या हीट एनर्जी दी हुई थी, तो वो ही क्वेश्चन आपका पेपर में आया है, यानी कि क्वेश्चन सेम होगा, वैल्यूज अलग होंगी, इसका मतलब है फॉर्मेट का सेम होना। कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, कॉन्सेप्ट में तो 1050 बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और मैंने सिमिलर लिख के फिर उसके बाद में वेरी भी लिखा है, यानी कि बहुत सिमिलर क्वेश्चन, यानी कि अगर एनटीए अभ्यास में 1.5 एम्पियर करंट दिया है तो जो पेपर में क्वेश्चन आया है वो 0.005 मिली एम्पियर नहीं था, वो 3.5 या 8.5 या 0.5 ही था, इसका मतलब है वेरी सिमिलर। तो आप समझ गए होंगे कि जब हमारे सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं तो फिर हम इधर उधर की प्रैक्टिस क्यों करें, क्योंकि देखिए टीचर कोई भी गलत नहीं होता, लेकिन आपने देखा होगा मुझे खीर अच्छी लगती है, मैं हर बच्चे को कहूंगा यार अपनी हेल्थ बनानी है तो खीर खाओ, ठीक है ना। किसी को दही अच्छी लगती है तो वो कहेगा भाई अगर आपको हेल्थ बढ़िया रखनी है ना, आपको बीमारियों से दूर रहना ना, आपको कोरोना से बचना है तो आप दही खाएं, और सभी का मतलब सेम ही होता है, यानी कि जिसने हाथी को जिस तरफ से देखा उसको हाथी वैसा ही लगता है। तो इन बातों में किसी की बुराई नहीं है, इसलिए हर टीचर का पढ़ाने का करने का तरीका अलग होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि IIT पढ़ो जेई अपने आप हो जाती है, ये बात मुझे कहीं भी कभी भी फिट नहीं लगी, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं। चलिए
दूसरे पॉइंट पर मैं आ जाता हूं। दूसरा पॉइंट है मेरा कि 2021 का जो अटेम्प्ट हुआ है, 2021 के चार अटेम्प्ट हुए थे है ना, और पहला जो अटेम्प्ट था उसमें 4×8 पेपर थे, दूसरे अटेम्प्ट में 6 पेपर थे, तीसरे में भी 6 पेपर थे, चौथे में 8 पेपर थे। तो आप टोटल निकाल लो और उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन गिन लो, आपको 90 क्वेश्चन एक पेपर में होते हैं, ये आप समझ गए होंगे, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। तो जो 2021 का अटेम्प्ट था और उसका जो 75% एग्रीगेट बता रहा हूं बच्चे, मैं इंडिविजुअल भी आपको बता देता हूं, केमिस्ट्री में एनटीए से 95 से भी ज्यादा परसेंट के क्वेश्चन थे। ध्यान रखना है फॉर्मेट सेम के क्वेश्चन, एज इट इज कहना इतने बड़े पेपर में बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। फिजिक्स में 75% से भी ज्यादा क्वेश्चन थे, फॉर्मेट सेम के, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में बच्चे, क्योंकि आपको पता होगा मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं, तो वहां सिमिलर बनाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको 60% की गारंटी अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग दे सकता हूं। तो आप समझ सकते हैं इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कि यार एनटीए तो जरूर करना चाहिए। फिर वही बात ध्यान रखें कि एनटीए में क्वेश्चन है, आपको थ्योरी टेक्स्ट बुक से पढ़नी पड़ेगी, कोचिंग से पढ़नी पड़ेगी, मेरे से पढ़नी पड़ेगी, या जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, कोई चेंज ना करें। अगली बात पर आ जाते हैं, वो है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर जो 3 है वो है, दो टाइप के टेस्ट एनटीए अभ्यास के ऐप में है, एक है फुल सिलेबस के, पहले फुल सिलेबस के 19 में दिए उन्होंने, लेकिन 21 से इन्होंने जो है फुल सिलेबस के साथ में चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा करें, और कैसे करें ये भी मैं आपको तरीका बताता हूं। और आप प्लान क्या बनाएं कि हर रोज एवरीडे आप दो टेस्ट आप किसी भी सब्जेक्ट के ले ले, दो सब्जेक्ट के ले ले, आप चैप्टर वाइज करें है ना, दो, एक मान लो एपी आपने उधर से ले लिया, कैपेसिटर आपने उधर से ले लिया, यानी कि चाहे तो एक दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री ले ले, चाहे आप एक दिन केमिस्ट्री और फिजिक्स ले, मैथमेटिक्स ले ले, या एक दिन मैथमेटिक्स और फिजिक्स ले ले, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स को अटेम्प्ट बाद में करना चाहिए, लेकिन मैथमेटिक्स का ध्यान जरूर रखना है बच्चों। जब सॉर्टिंग होती है तो वहां पर जो सेम नंबर होते हैं, तो पहला जो नंबर है 1000 में से उस बच्चे का आता है जिसके मैथमेटिक्स में ज्यादा है, वैसे टोटल सबके सेम है, लेकिन अटेम्प्ट बाद में करना चाहिए, पहले केमिस्ट्री या फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। चलिए अगली जो बात है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, इफ यू थिंक, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी पहले अटेम्प्ट में 95% आ जाएगी, देखिए यहां पर मैं आपको रोक रहा हूं, ये बहुत बड़ा गड़बड़ वाला पॉइंट है। अगर आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं तो वहां पर जो 95% है वो आपकी 120, 130, 140 नंबर पर भी आ सकती है, लेकिन यही मार्क्स अगर आपके थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में आए तो फिर आपकी जो परसेंटाइल है वो 90 से नीचे रह जाएगी, ये अच्छे तरीके से समझ लेना। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि गो फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट, सब कुछ पहले अटेम्प्ट के लिए लगा दो, उसके बाद में चीजें मुश्किल होती हुई आपके लिए हो सकती है, ठीक है। हालांकि आपकी तैयारी भी बढ़ेगी, लेकिन इधर कम बढ़ती है और उधर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लास्ट ईयर बहुत ऐसा खेला हुआ था कि पहले अटेम्प्ट में, देखिए परसेंटाइल का मतलब जो है ना, अब आप सोच रहे होंगे कि आप 130 में इतनी परसेंटाइल, भाई परसेंटाइल का मतलब मार्क्स से कम और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज्यादा होता है, ठीक है ना, इसी को आप समझते होंगे अच्छे तरीके से। तो यानी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो टेक्स्ट बुक से पढ़ाई की है वो 120 या 130 या 140 नंबर ला सकती है, यानी कि 95% में आप कवर कर चुका हूं, तो ये जो मैंने सिस्टम बताया अब आप उसे बदल दीजिए, यानी कि एवरी थर्ड डे, हर एक तीसरे दिन जो है, जो आप चैप्टर वाइज कर रहे थे, अब आप फुल सिलेबस का टेस्ट भी आप देना शुरू कर दें, ठीक है ना। जितना आता हो वो करें, उसके बाद में आंसर देख के आप अपनी वापस टेक्स्ट बुक पर आ जाएं और उसे कंप्लीट कर लें, पढ़ाई ही है, उसे भी पढ़ाई ही कहते हैं। चलिए जो लास्ट पॉइंट है वो बताना बहुत जरूरी है कि जो एनटीए अभ्यास है, हालांकि ये बात मैंने आपको बता दी है, एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं कि वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, आपको ये तभी समझ आएगा या तभी अच्छे से होगा जब वो टेक्स्ट बुक से आप तैयारी कर चुके होंगे, कोचिंग से या कहीं से भी, जिससे भी आप तैयारी कर चुके हैं, यानी कि पहले आपको उसे पढ़ना पड़ेगा। एक बात लास्ट में आपको फिर बता दूं कि एनटीए ने अभी भी, यानी कि आज 14 तारीख है और 14 तारीख भी खत्म हो गई, यानी कि 14 तारीख तक भी
एनटीए ने रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं किए। मुझे ऐसा लगता है कि एनटीए खुद ही फंस गया है, क्योंकि एनटीए मार्च में एग्जाम करा सकता था लेकिन अप्रैल में उसे गैप ही नहीं मिल रहा। बहुत सारे बोर्ड है, यूपी बोर्ड कह रहा है मैं 15 मार्च से लूंगा, बिहार बोर्ड कह रहा है हम 20 मार्च से लेंगे, है ना, राजस्थान बोर्ड कह रहा है हम 1 अप्रैल से लेने वाले, है ना, मान लो और कोई कई बोर्ड है वो कह रहे हैं हम 10 अप्रैल से लेने वाले, यानी कि स्लॉट उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और कोशिश वो करेंगे कि किसी भी तरीके से 3 दिन हम निकाल लें और पहला अटेम्प्ट कर लें, यानी कि तैयार आपको जरूर रहना है। और एनटीए अपने ही उसमें प्रोग्रामिंग में गड़बड़ हो गया है, लेकिन एनटीए जो भी करेगा वो बच्चों के अच्छे के लिए ही करेगा। और आप तैयारी मेरे साथ करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चे। कल की जो वीडियो है वो केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबल इनऑर्गेनिक में लाने वाला हूं, फिर फिजिक्स, फिर मैथ, इसी तरीके से मैं आपके साथ बना रहूंगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।